अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हम मोली को देखते हैं जो तेजी से ग्रेमर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे कहीं से एक तीर आकर लगता है जिससे वो अपने घोड़े से गिर जाता है और तड़पने लगता है। इसके बाद वहाँ पर पेलेम आता है जो मोलिन से कहता है कि रोगों ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन ये काम मैं फ्री में भी कर देता क्योंकि तुमने एक बार मेरे पिता को अपने जादू से एक जानवर बना दिया था, जिसके बाद उन्हें अपनी सारी जिंदगी एक जानवर के शरीर में बितानी पड़ी। वो आगे ये भी कहता है कि जो तीर मैंने तुम्हें मारा है उसमें जहर लगा हुआ है, इसलिए अब तुम धीरे धीरे तड़पते हुए मरोगे। आप पेलेम मोलिन को यह सब बता ही रहा होता है कि तभी मोलिन मौका देकर अपने सीने में लगा तीर निकाल कर पेलेम के गले में चुभो देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद वो जहर के असर को कम करने के लिए पास ही जल रहे कुछ कोयले खा लेता है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। वहीं अगले सीन में हम नीमू को देखते हैं जिसे खबर मिलती है कि किले में सिर्फ कुछ ही दिनों का खाना बचा है, और दूसरी तरफ हम एबॉट को देखते हैं जिसे रोम के चर्च में फादर कार्डन की मदद के लिए ग्रेमर भेजा होता है। फादर कार्डन यहाँ पर एबॉट से ग्रेमर किले के बारे में बता ही रहे होते हैं, जीतने में ही वहाँ पर विपिंग मॉन्क घायल ग्रेनाइट को अपने साथ लेकर आता है, जिसे देख कर फादर कार्डन बहुत खुश होता है। और फिर वो ग्रीन नाइट से नीमू के बारे में जानकारी पता करने के लिए उसे सॉल के पास भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ मोलिन ग्रेमर पहुंचकर नीमू से मिलता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम ये तलवार आइस किंग को दे दो और उसकी कैदी बनकर रहो तो वो तुम्हारी हिफाजत करने को तैयार है, लेकिन नीमू मोलिन के इस ऑफर को मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उथर धोखे से लूनेट को जहर दे देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी असली माँ को लूनेट ने जहर देकर मार दिया था, जिससे अब लूनेट की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में किंग उथर का राजदूत नीमू के पास उथर का एक प्रस्ताव लाता है कि अगर नीमू उसे वो जादुई तलवार देकर उसके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाती है तो वो बदले में उसकी और बाकी के लोगों की रक्षा करेगा, जिस प्रस्ताव को नीमू मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ टस कबीले के कुछ लोग ग्रेमेर में रहने वाले एक आदमी को पीट पीट कर मार डालते है क्योंकि उसने रेड पैलेडिंस की तरह ही अपने घर के बाहर एक बड़ा सा लाल क्रॉस बना रखा था। अब जब नीमू को इस बारे में पता चलता है तो वो उन फे लोगों को अपने पास बुलाती है और उन्हें समझाती है कि ग्रेमेर पर काफी समय से रेड पैलेडिंस का कब्जा था और इसीलिए यहाँ के लोगों को अपने परिवार की रक्षा करने के लिए रेड पैलेडिंस की रिवाजों को मानना पड़ता था, इसीलिए इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए अब से तुम लोग इस बात को लेकर किसी मासूम इंसान को नहीं मारोगे। लेकिन तभी उनमें से एक फेल लड़की नीमू की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस पर हंसने लगती है, जो देखकर नीमू को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी तलवार से उसकी दोनों हाथ काट कर उन्हें कबीले के दरवाजे पर लटकाने को कहकर वहां से चली जाती है। अब नीमू को देखकर ऐसा लगने लगता है कि तलवार ने उसको अपने काबू में करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रेड पैलेडिंस को सॉल्ट में देखते हैं, जिसकी दोनों आंखें सिली हुई होती है, जो ग्रीन नाइट को टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन काफी टॉर्चर करने के बाद भी ग्रीन नाइट फेल लोगों की ग्रेमेर में बनाई जा रही रणनीति के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए अब सॉल्ट थोड़ी देर उसको अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। अब सॉल्ट के वहां से जाने के बाद विपिंग मॉन्क ग्रीन नाइट से मिलने वहां आता है और वो उसे सवाल करता है कि तुम जानते थे कि मैं भी एक फे हूँ तो फिर तुमने ये बात बाकी रेड पैलेडिंस को क्यों नहीं बताई, जिसके जवाब में ग्रीन नाइट कहता है कि सभी फे मेरे भाई है और तुम बस गलत रास्ते में भटक गए हो, जो सुनकर विपिंग मॉन्क कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम मोलिन को देखते हैं जिसके शरीर में अब धीरे धीरे जहर फैल रहा होता है। तभी फिर वहां उससे मिलने नीमू आती है जो उसे उथर के भेजे हुए प्रस्ताव के बारे में बताती है, लेकिन मोलिन को उथर पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो नीमू को एक बार फिर से आइसकिंग के प्रस्ताव पर सोचने को कहता है। अब सीन फिर से रेड पैलेडिंस के खेमे की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ स्क्विरल ग्रीन नाइट का पीछा करते हुए उसे वहां ढूंढ लेता है और अब वो उसकी रस्सियां काटकर उसे आजाद करवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्रीन नाइट उसे रोकते हुए उसे कहता है कि टॉर्चर के कारण मेरी दोनों टांगे खराब हो चुकी है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा, जिसके बाद वो स्क्विरल को वापस नीमू के पास जाने को कहता है, लेकिन तब तक वहाँ पर सॉल्ट आकर स्क्विरल को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ किंग उतर फादर कॉर्डन को बताता है कि वो ग्रेमर की लड़ाई जीतने के बाद नीमू को चर्च के हवाले नहीं करेगा बल्कि अपने पास कैदी की तरह रखेगा, साथ ही वो नीमू के शर्त के मुताबिक ग्रेमर के सभी फेल लोगों को जहाज की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा, जिस बात को लेकर फादर कार्डन और उतर के बीच में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन एबॉट फादर कार्डन को शांत करवाता है और फिर उसके साथ वापस अपने खेमे में आ जाता है। अब यहाँ आने पर सॉल्ट फादर कार्डन को बताता है कि उसने स्कर्ल को भी पकड़ लिया है और अब फादर कार्डन सॉल्ट से स्कर्ल को भी टॉर्चर करने को कहता है, लेकिन विपिंग मॉन्क इसका विरोध करते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है, पर ये सुनने के बाद फादर कार्डन विपिंग मॉन्क को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। अब सीन वापस ग्रेमर पर शिफ्ट होता है, जहाँ नीमू आर्थर को अपने कमरे में बुलाकर उसे कहती है कि मैंने किंग उथर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और कल सुबह जब मैं उथर के सामने अपने आप को सरेंडर करूंगी तब ये तुम्हारा जिम्मेदारी होगी।
थी कि तुम बाकी फेल लोगों को लेकर जहाज से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। आर्थर अब निमू को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन निमू कहती कि फेल लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को एडिस फादर कार्डन के पास आती है और उसे बताती है कि आइस किंग निमू को मारने में आपकी मदद करना चाहते हैं। डीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत में माइरिस को देखते हैं जो हथियार घर में से कुछ हथियार चुरा लेती है और फिर वहाँ पहरा दे रहे फे आदमी को मारकर उसे जला देती है, जिसके बाद वो चुपचाप महल के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मलिक निमू से कहता है कि तुम्हारे उतर के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले मैं उसके पास जाकर खुद को उसके हवाले करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर शायद वो मुझे मार देगा, जिससे उसे बहुत खुशी मिलेगी और फिर उतर का गुस्सा शांत भी हो जाएगा, जिसकी मदद से शायद वो तुम पर रहम करके तुम्हें बचा लेगा। इस पर अब निमू भावुक होते हुए मौली से कहती कि मेरे लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौली कहता है कि अब उसका ये इरादा कोई नहीं बदल सकता। वहीं दूसरी तरफ जब इग्रीन निमू को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है तो उसे वहाँ पर विडो मिलती है और यहाँ विडो इग्रीन से कहती है कि तुम मुझे देख सकती हो, इसका मतलब कैलिस ने तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है और अब तुम काली आत्माओं के वश में हो। जिसके बाद अब इग्रीन विडो से सवाल करती है कि तुम मरे हुए लोगों को लेने आती हो और तुम यहाँ निमू के कमरे में मौजूद हो, तो क्या तुम यहाँ निमू को लेने आई हो? अब उसका ये सवाल सुनकर विडो गुस्से में इग्रीन से कहती है कि तुम मेरे काम में दखल मत दो, और फिर वो इग्रीन का गला पकड़कर उसे दीवार पर फेंक देती है। जीतने में ही वहाँ पर निमू आ जाती है, लेकिन उसके पास दिव्य दृष्टि ना होने की वजह से वो विडो को नहीं देख पाती। अब इसके बाद निमू इग्रीन को अपनी जादुई तलवार देकर एक गुप्त रास्ते के सहारे उसे किले से बाहर भेज देती है और फिर उसे तलवार की हिफाजत करने को कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाज पर जाने के लिए सभी फेल लोग तैयार हो चुके होते हैं और फिर पीमा और आर्थर निमू को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीन अकेले ही किंग उथर से मिलने जाता है और वहाँ जाकर वो उथर को गुस्सा दिलाने के लिए उससे बदतमीजी से बात करने लगता है, जिसके बाद उथर गुस्से में अपनी सिपाहियों को इशारा करके मरीन को बुरी तरह से घायल करवा देता है और फिर उसे ले जाकर एक टेंट में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब अगले सीन में जब आर्थर और बाकी लोग समुद्र के किनारे तक पहुंचते तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें कुछ जहाज अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब महल में निमू अकेली होती तो आयरिस इसका फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ एक सिपाही आकर निमू को आर्थर का संदेश देता है, जिसमें लिखा था कि किंग उथर ने अपना वादा पूरा किया है और उसने जहाज भेज दी है, जो अब जानने के बाद निमू उथर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए निकल जाती है। अब अगले सीन में हम इग्रीन को देखते हैं जिसे जंगल में फिर से सीलिया दिखाई देने लगती है। सीलिया यहाँ इग्रीन से कहती है कि तुम्हें इस तलवार को कैलिस के मंदिर में ले जाना होगा ताकि वो तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखा सके, लेकिन इग्रीन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये तलवार निमू की अमानत थी। जिस पर अब सीलिया उसे कहती है कि तुम निमू को भूल जाओ क्योंकि उसके पीछे मौत की बेटी विडो पड़ी है और अब उसका बचना नामुमकिन है, जो जानकर अब इग्रीन निमू को बचाने के लिए सीलिया को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद हम निमू को देखते हैं जिससे किंग उथर के सैनिक पकड़कर उथर के सामने पेश करते हैं, लेकिन मौलिन को मारने की वजह से उथर बहुत खुश होता है। साथ ही निमू अपने साथ जादुई तलवार भी नहीं लेकर आई थी, लेकिन उथर को वो तलवार चाहिए थी और उसके बारे में सिर्फ निमू को पता था, इसलिए उथर निमू को फादर कॉर्डन को सौंपने के बजाय उसे अपने पास कैदी बनाकर रखने का फैसला करता है। पर तब तक इग्रीन भी यहाँ पहुंच जाती है, जहाँ आकर उसका सामना विडो से होता है। विडो अब गुस्से में उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद एनिमेशन की मदद से हमें दिखाया जाता है कि इग्रीन जादुई तलवार से विडो को मार देती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही जहाज किनारे पर आते और फे लोग उन पर चढ़ रहे होते तभी अचानक से आइस किंग की सेना उन लोगों पर हमला कर देती है, जिस हमले में लड़ते हुए रॉड की मौत हो जाती है और फे लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तब तक वहाँ उनकी मदद के लिए रेड स्पीयर अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है, जो सभी आइस किंग की सेना से लड़ने लगती है क्योंकि किसी अनजान कारण की वजह से वो आइस किंग से बहुत नफरत करती थी। साथ ही ग्रेमर पर कब्जा करके फे लोगों ने रेड स्पीयर को आजाद करवाया था और फिर इसी लड़ाई के दौरान आइस किंग की बेटी डैगमर मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ फादर कार्डन गुस्से में अपने आदमियों से कहता है कि किंग उथर ने हमको धोखा दिया है और इसलिए अब अगर तुम्हें उसके सैनिकों को मारना पड़े तो मारो, लेकिन मुझे वुलवर्ड विच ला कर दो। वहीं हम देखते हैं कि सॉल्ट स्क्विरल को टॉर्चर करने ही वाला होता है, लेकिन व्हिपिंग वॉम वहाँ आकर सॉल्ट को मार देता है और फिर वो स्क्विरल को आजाद करवा के वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रीन नाइट को देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा टॉर्चर की वजह से मौत हो चुकी होती है और फिर कुछ सैनिक उसकी लाश को निमू के पास फेंक कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ग्रीन नाइट की लाश देखकर निमू बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जादू से वापस जिंदा करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास एनर्जी का एक
छोटा धमाका होता है, लेकिन ग्रीनर्ड का इस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि निमू बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। इतने में वहाँ पर रेड पैलाडिन हमला कर देते है और फिर वो निमू को पकड़ कर फादर कार्डन के पास ले जाने लगते है। लेकिन निमू के वहाँ से जाते ही जमीन में से कुछ जड़े निकल कर ग्रीनर्ड की लाशों को कवर कर लेती है। अब अगले सीन में हम व्हिपिंग मॉन्क और स्कॉल को देखते है जिन्हें रास्ते में अबाउट कुछ ट्रिनिटी गार्ड्स के साथ घेर लेता है। व्हिपिंग मॉन्क अब बड़ी मुश्किल से सभी ट्रिनिटी गार्ड्स को मार देता है जिसे देखकर अबाउट डर कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद व्हिपिंग मॉन्क काफी घायल होने के बावजूद किसी तरह से खुद को संभालते हुए घोड़े पर बैठकर स्क्वेल के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब फादर कार्डन निमू को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ बीच में विडो आ जाती है जो निमू को उसकी जादुई तलवार दे देती है जिसकी मदद से निमू एक ही बार में फादर कार्डन का काम तमाम कर देती है। और फिर वो देखती है कि विडो कोई और नहीं बल्कि इग्रीन है, जिसके बाद इग्रीन निमू से कहती है कि मैंने विडो को मार दिया और फिर वो खुद विडो बन गई। इसलिए अब मैं जानती हूँ कि मॉलिन जल्दी मरने वाला है, जो जानकर निमू सीधे घायल मॉलिन के पास पहुंचती है और फिर निमू और इग्रीन मॉलिन को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन काफी घायल होने की वजह से थोड़ी दूर जाने पर मॉलिन थककर एक जगह के पास बैठ जाती है। तभी निमू देखती है कि आयरिस उसके सामने तीर और धनुष लेकर खड़ी है और फिर देखते ही देखते आयरिस निमू को दो तीर मार देती है जिसकी वजह से निमू के हाथ से जादुई तलवार छूट जाती है और फिर वो फिसल कर नदी में गिर जाती है, जो देखकर मॉलिन इमोशनल होकर चीखने चिल्लाने लगता है। जिस गुस्से में फिर वो उसी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है जिसके बाद अब आसमान से जोरदार बिजली चमकने लगती है और फिर हमें मॉलिन का खतरनाक रूप दिखाया जाता है जिसमें उसकी आंखों से बिजली निकल रही होती है, जिसे देखकर आयरिस घबरा कर वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद मॉलिन प्राचीन फे मंत्र पढ़ते हुए तलवार को हवा में लहराने लगता है और फिर आसमान बिजली को काबू करके उनका पीछा करके वहां आते हुए सभी पैलेडंस को मार देता है और इसी बिजली की वजह से आयरिस का थोड़ा चेहरा भी जल जाता है। अब इसके बाद मॉलिन इग्रीन को अपने पास बुलाकर तलवार को हवा में घुमाते हुए उसके साथ किसी अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हिपिंग मॉन्क और स्क्वेल को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं और इस दौरान स्क्वेल उसे बताता है कि मेरा असली नाम पर्सिवल है और बदले में व्हिपिंग मॉन्क भी उसे बताता है कि उसका असली नाम लैंसेलॉट है। अब सीरीज के आखिरी सीन में हम आयरिस को देखते हैं जो रोम के एक चर्च में होता है और अब वो बेबल उसे निमू को मारने के नाम के बदले उसे एक ट्रिनिटी गार्ड बना देता है, जिसके बाद हमें निमू का वही नदी में डूबने वाला सीन दिखाया जाता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसके साथ ही ये सीरीज 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसकी सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।